अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड इस वक्त 1738 के आसपास चल रहा है। आज का जो मेन इवेंट था वो चेयरमैन पावल की स्पीच थी। तो ओवरऑल उनका जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका जो मेन पॉइंट आज उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन के बारे में, कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है आर्जी तौर पर 2% से ऊपर चली जाए इन्फ्लेशन, लेकिन हम इसे मुस्तकिल तौर पर नहीं जाने दे सकते। ठीक है, दूसरे महीनों में उनका कहने का मतलब ये था कि जो हिस्ट्री में एक दफ़ा बैड इन्फ्लेशन डेज आए थे यूएस में, तो वो उस तरफ नहीं जा सकते, वो उनके पास टूल्स हैं, वो इसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन को नहीं होने देंगे। यही वो पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स बात पे कन्विंस्ड हैं कि इन्फ्लेशन फेड को ये स्टेप लेने पे मजबूर करेगी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। तो ये एक पॉजिटिव बात थी यूएस डॉलर के लिए। तो ये और बाकी आज डाटा वाइज कुछ खास नहीं है। ओवरऑल जो आज गोल्ड का इन्हसार है वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स पर रहेगा। तो आपने अपनी वॉच लिस्ट में डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को दोनों को ऐड करना है और दोनों को आपने चेक करते रहना है। दूसरी साइड पर अब हम जाते हैं जी गोल्ड पे। अगर ये देखें, ये गोल्ड का 4 आवर चार्ट है मेरे सामने। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो उसमें आपको एक ब्रेकआउट नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद जो मेन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखें इस साइड पे ये, तो ये आपको लेफ्ट शोल्डर मिलेगा, ये आपको हेड मिल रहा है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ एक राइट शोल्डर हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये फिर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। अगर आने वाले घंटों में कुछ हमें ऐसा मिलता है यहाँ पर इस लेवल पे, यहाँ पर अगर आप कुछ कैंडल्स मिलती हैं 4 आवर में इधर ही, तो हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। ठीक हो गया जी। तो आने वाले, मैंने इसलिए आपको बताया कि आने वाले कुछ घंटों में आपने इस पर नज़र रखनी है। ठीक है, तो आज की बात कर लेते हैं। तो वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ साइड पर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि गोल्ड दोबारा से अपनी एक रेंज में आ चुका है 1730 और 1745 के दरमियान। तो ये एक न्यूट्रल इसकी रेंज है। इस साइड से नीचे जाएगा तो बेरिश हो जाएगा, अपर जाएगा तो फिर एक बाइंग आएगी। लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे आज, तो मैं आपको यही कहूँगा, जो सेफ साइड पर खेलना चाह रहे हैं तो वो 1730 के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। अगर 1730 के नीचे यहाँ जो स्टॉप लॉस काफ़ी सारे लगे होंगे, तो अगर वो सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं तो 1730 के पास गोल्ड नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 1720 के बाद तो एक हमारी बेरिश जो बेस है वो इंटैक्ट हो जाएगी। तो 1720 के बाद आप सेलिंग की एंट्री करके $30 से $40 की आप रख सकते हैं मार्जिन। ठीक है जी। और दूसरी साइड पर अगर आप बाइंग में जाना चाहते हैं, तो डिप बाइंग आप यहाँ पे करना चाहते हैं इंटर ट्रेडर तो कर सकते हैं, लेकिन 1745 के ऊपर आपने बाइंग नहीं करनी 1765 तक। अगर आप ब्रेकआउट हमारा कन्फर्म हो जाता है 1765 के ऊपर, तो वो लोग जो सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं वो बाइंग की एंट्री कर सकते हैं $50-100 के लिए। तो ये तो एक मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बताया। तो आज की हम क्या करेंगे, आज हमें क्या लग रहा है गोल्ड। तो पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर बात कर लेते हैं। आज की जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 7027, ये जो नज़र आ रही होगी साइड पे आपको। अगर गोल्ड 1727 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो 1720 की है। ठीक है जी। तो 1720 अगर ब्रेक होता है तो सेलिंग पेस पकड़ लेगी और गोल्ड को 1700 और 1680 तक लेके जा सकती है। दूसरी साइड पे जो आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी ये $1751, ये आपको नज़र आ रही होगी राइट साइड पे। अगर गोल्ड 1751 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1760, 1770, 1780 और 1790 तक जा सकता है। ओवरऑल आपने इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए मैं लेवल लिख दूंगा, वो आप आजमा के देख लेंगे, वो आपके काम आएंगे। उसके लिहाज से अपने बाइंग और सेलिंग की एंट्री करनी है। याद रखिएगा 1745 और 1765 के दरमियान आपने बाइंग नहीं करनी, ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाए तो बाइंग करनी है। ठीक है जी। तो बाकी अब शाम को मिलेंगे। शुक्रिया।